Hey guys, welcome back to the kitchen. आज हम बनाएंगे कुछ मैंगो का. समर सीजन इज हियर, तो अच्छा इजी रेसिपी विद अ मैंगो एंड इट इज अ मैंगो मूस. सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? बेसिकली मुझे व्हिपिंग क्रीम चाहिए, दैट सोया व्हिपिंग क्रीम जो आती है, किसी भी कंपनी की ले लेना. एंड आई नीड मैंगोज, वट एवर मैंगो इज अवेलेबल यू मे टेक इट, बिकॉज उसके एंड में तो प्योरी बनानी है. कुछ डेकोरेशन के लिए चीज़ें, पुदीना है, अनार के दाने, वट्सो एवर, और एक अच्छा सा ग्लास या फिर छोटे छोटे कप्स. हम बना रहे हैं मैंगो मूस. इट इज़ वेरी इजी रेसिपी एंड अ क्विक रेसिपी, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट आई विल स्टार्ट विद माय व्हिपिंग क्रीम. ओके, सो आई विल स्टार्ट माय व्हिपिंग क्रीम. See, my cream is whipped and has to be soft peaks, not hard peaks, क्योंकि हम मूस बना रहे हैं. And it is ready. Now I'll keep this cream aside. Okay, so मेरी cream whip हो गई है. अब I have diced mango. इसका कुछ नहीं करना, मुझे बस प्यूरी बनानी है. I'll take a small jar और उसमें I'll put my mangoes. And there is no sugar, nothing to be added. In case you're making for kids, so yes, of course you can add thodi si sugar ya milkmaid. Otherwise, it is not required. See, my mango paste is ready, puree, and it is very nice and glossy. This is my favorite thing to say. I'll just empty it out in the same bowl. एंड बस कुछ नहीं करना, फिर इन दोनों को मिक्स करना है अच्छे से. टेक अ नाइस स्पैटुला, स्कूप इट आउट ईजली. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से स्पैटुलास वगैरह, दीज आर वेरी एसेंशियल्स इन बेकिंग, वेस्टेज नहीं होती. सो आई हैव स्कूप आउट माय ऑल द मिक्सर जार एंड जस्ट मिक्स इट. सी ओके, सी माय मूस इज रेडी. एंड ट्रस्ट मी, इसमें शुगर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अब मैं कुछ नहीं करूँगी, इसे एक पाइपिंग बैग में लूँगी और इसे फिल करके. आई हैव जार्स, सी आई हैव दिस ग्लास, और यू कैन पुट इट वन पोर्शन साइज के लिए. दीज स्मॉल डेजर्ट कप्स आर अवेलेबल एंड दीज आर डिस्पोजेबल्स, तो हम लोग अब इसमें भर लेंगे इसे. ओके, सी अब मेरा मूस रेडी है. कुछ नहीं कर रही, बस मैं इसे अपने नोजल में भर रही हूँ पाइपिंग बैग में. You may fill these cups. Okay, so ये मैंने अपने मूसेस डाल के फ्रिज में सेट कर रखे थे. वी हैव टू सेट फॉर एटलीस्ट वन आवर. मूस हमेशा ठंडा ठंडा खाया जाता है एंड इट इज समर्स ऑल्सो, तो इसको एटलीस्ट वन आवर फ्रिज में, नॉर्मल रेफ्रिजरेशन में वन आवर सेट करेंगे एंड देन आई डेकोरेट इट. मैंने क्या करा है, मैंगो के थिन स्लाइसिस करे हैं एंड आई जस्ट पुट इट वन बाय वन, तो हमारा एक क्यूट सा रोज बन जाएगा इसमें. You may see it. See how cute the rose is here. एक एक slice करके डाला है. You may just do chopped भी ले सकते हो छोटे वाले के लिए, ठीक है. And then add your अनार थोड़ा colorful effect के लिए, ठीक है. पुदीना and put it in the corner. You can do your mousse shots like this. कैसे भी आपको अच्छा लगे. See mango chunks also look nice. And few of my anar, and again a small nice leaf of mint, just to top it up. See, my mango mousse is ready now. Again, chill and serve cold. Thank you. Please, please, please like, share, and subscribe my channel. जितना हो सके share करो. And my past studio is back with the offline classes, in studio classes basically. So I have a ice cream and a sorbet ka pura classes. It is very nominally priced and I'll teach you around 8 to 10 types of sorbets ice cream, which are vegan and healthy also. So please, in case any queries, do register. I'll share all the details here as well as my Insta account. So please see to it. Thank you.